नमस्कार दोस्तों, जी नमस्ते, यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। दोस्तों बात करेंगे कुवैत चैलेंजर्स कप T20 जो आज का मैच है एसटीए वर्सेस एचपीसी के बीच में। अगर दोनों टीमों का तुलना किया जाए दोस्तों, एसटीए थोड़ा सा स्ट्रांग है लेकिन एचपीसी खराब टीम नहीं है। तीन चार ऐसे प्लेयर है जिसका हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अगर इग्नोर करेंगे तो हम लोग विनिंग जोन से बाहर भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा प्लेयर है वो हम लोग जरूर जानेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए आज के मैच के लिए वो भी हम लोग देखेंगे, और टीम कॉम्बिनेशन भी कैसे बनाना चाहिए टीम टॉस के अकॉर्डिंग तो वो भी हम लोग देखेंगे जानेंगे डिस्कस करने वाले। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और शानदार हो जाएगा वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो और बहुत कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। तो दोस्तों उससे पहले अगर मेरे YouTube चैनल पर नए आए हो, अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जेल मास्टर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उधर ही मैं आप डॉक्टर जेल टीम प्रोवाइड करता हूँ जो सेम टीम से मैं खेलता हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के दोस्तों को भी मेरा वीडियो और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों दोनों टीमों का तो एक दो करके मैचेस हो चुका है, उसका स्कोर कार्ड पहले हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कौन सा प्लेयर का क्या रोल है और बैटिंग ऑर्डर कैसा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ड्रीम इलेवन पे टीम कॉम्बिनेशन बना लेंगे। चलिए तो दोस्तों इधर से देख लीजिए, BEI के साथ HTA का एक मैच था। तो इधर से BEI पहले बैटिंग किया था, 113 रन 10 विकेट खोकर बनाया था। बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं HTA का, नवाब अहमद जो शानदार एक बॉलर है दोस्तों, और दोस्तों ये जो बॉलिंग करेगा वो डेढ़ ओवर में 19वां ओवर भी बॉलिंग डालेगा और उसके साथ साथ पावर प्ले में 2 ओवर डालेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत शानदार प्लेयर है, पहले बॉलिंग में जरूर आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के उसके ऊपर जा सकते हो। जिस जेकब देखिए एक शानदार ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसको फुल बॉलिंग नहीं करवा जा रहा है, तो इसलिए अगर फुल बॉलिंग करेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसका भी रिकॉर्ड शानदार है। खालिक अंसारी जो इस टीम का एक मेन बॉलर है दोस्तों, और हर टाइम एक दो करके विकेट तो जरूर लेता है, और इसमें देखिए 4 विकेट लेके गया था। सिराज खान नहीं खेलने वाला दोस्तों, इंटरनेशनल मैच में बिजी है। नबीद फकर देखिए 3 ओवर 26 रन देकर 2 विकेट, ये भी एक शानदार ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बॉलिंग करेगा वो दोस्तों मिडिल ओवर पर बॉलिंग करने के लिए आएगा। जोमिन जोसेफ देखिए सिर्फ 2 ओवर 18 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला था, जब चेस करने के लिए आया था। दोस्तों देखिए मोहम्मद फारूक देखिए एक एवरेज प्लेयर है, आप लोग पिक कर सकते हो, उतना ज़्यादा डिटर प्लेयर नहीं है लेकिन एक ठीक ठाक प्लेयर आप लोग पिक कर सकते हो पहले बैटिंग में, और भी अच्छा पिक हो जाएगा। उसके बाद स्टैनली चेरियन का देखा दोस्तों रिकॉर्ड बहुत शानदार है दोस्तों, 8 मैच में दोस्तों 148 रन बनाया था, 34 इसका एवरेज, मतलब 34 इसका हाइस्ट स्कोर था, 18 के आसपास इसका एवरेज है, और 8 मैच में 8 विकेट भी लेके गया था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, अगर बॉलिंग करेगा तो बहुत शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस हो जाएगा। देखिए आज का मैच में एस खान नहीं खेल रहा है, तो इसलिए इसको मौका मिल सकता है एक दो बार डालने के। ठीक है, विक्रांत गुप्ता देखिए बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, और इसका 100 भी शामिल है, बहुत शानदार इसका मतलब 50 के आसपास इसका एवरेज है, 48 मैच में 1954 रन इसका है, और 118 इसका हाइस्ट स्कोर है। ठीक है, बहुत शानदार प्लेयर है। अब्दुल हसीब ये भी एक शानदार ऑप्शन हो जाएगा, ये भी बॉलिंग करना जानता है, बॉलिंग करता, लेकिन टीम में बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन हो जाने के लिए इसको मौका नहीं मिला, तो आज के बहुत एक दो प्लेयर नहीं खेलने वाला है तो उसको मौका मिल सकता है, बहुत शानदार ऑप्शन हो जाएगा। तो और एक स्कोर कर देख लीजिए, PRP के साथ HTA के मैच था, पहले बॉलिंग किया था, क्या परफॉर्मेंस निकल कर आया था देखिए। मोहम्मद शफीक नहीं खेलने वाले दोस्तों, इंटरनेशनल मैच में बिजी है। नवाब अहमद फिर से देखिए 3 विकेट, सिराज खान नहीं है, खालिक अंसारी देखिए 2 विकेट, स्टेडियन देखिए 2 ओवर 13 रन देकर 1 विकेट, और जैसे जोमिन जोसेफ ने 2 ओवर लगभग डाला था और 2 विकेट लेके गया था जब चेस करने के लिए आया था। देखिए इधर से फारूक फिर से 10 रन, नुमान शायद देखिए 24 रन बने थे, विक्रम गुप्ता 29 रन, सिराज खान 27, आंटो शायद स्क्वायर में नहीं है, अभी नहीं खेलने वाली है, 19 रन, नवाब में 0। ठीक है, तो इसलिए इधर से देखिए जो आज के मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो नुमान सईद अगर खेलेगा तो ओपन कर सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों विक्रम गुप्ता देखिए सामने वाले जो टीम है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रांग है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं पहले बैटिंग में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कैप्टन वाइस कैप्टन पहले बैटिंग में अब लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों SPC का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, सामने वाला जो टीम था KRM थोड़ा सा वीक टीम था, तो इसलिए अच्छा किया था, लेकिन टीम खराब नहीं है SPC का। तो इधर से बॉलिंग परफॉर्मेंस पहले बॉलिंग किया था देख लेते हैं, अंसल नज्जर देखिए थोड़ा सा पिटाई पर गया था, 1 विकेट लेके गया था 4 ओवर में। रजीश मुरली बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, आप लोग जरूर पहले बॉलिंग में पिक कर सकते हो, सेकंड बॉलिंग में भी आप लोग पिक करके जा सकते हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ दोस्तों देखिए 4 ओवर पवरज लाल जो है 4 विकेट लेके गया था, इसका रिकॉर्ड उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, और पहले जो मैच
में उसको सिर्फ दो ओवर डालने का मौका मिला था, एक विकेट लेके गया था, लेकिन ये सामने वाला टीम जो थोड़ा सा वीक था तो इसलिए चार विकेट मिल गया। तो पहले बॉलिंग में आप लोग ट्राई कर सकते हो, सेकेंड बॉलिंग में मैं सोच रहा हूँ कि इसको ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे यूजर्स भागेंगे, लेकिन मैं शायद इसको इग्नोर कर सकता हूँ सेकेंड बॉलिंग में, तो देखना पड़ेगा क्या होगा। ना सिर्फ फिर देखिए इसका शानदार रिकॉर्ड था, देखिए एक मिलियन के साथ 16 रन देकर सिर्फ एक विकेट ले आता, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में ये शानदार कर सकते हैं दोस्तों, ये हम लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं ना सिर्फ फिर ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर किसी का नज़र नहीं है। निखिल प्रकाश का रिकॉर्ड बहुत शानदार है दोस्तों, 47 मैच में 1334 रन बनाया था, 101 इसका भी 100 है, और दोस्तों हाल फिल में 7 मैच में 300 के आसपास रन बनाया था, और 138 इसका हाई स्कोर था, और 6 विकेट भी लेके गया है 4 मैच में। बहुत शानदार ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि ये भी बैटिंग करने के लिए आ रहा है सेकंड डाउन थर्ड डाउन पर, ठीक है दोस्तों। और प्रमोद भार्गव से देखिए ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन हो जाएगा, 2 ओवर 12 रन देकर 1 विकेट, देखिए करने के लिए जब आया था, देखिए भरत थप्पन जो एक इंटरनेशनल दोस्तों प्लेयर है, इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस खेला है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के मैच के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर कर देगा शायद इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाला टीम स्ट्रांग है, तो लेकिन 20-25 रन 50 रन के आसपास जरूर कर सकते हैं पहले बैटिंग में, तो हम लोग जरूर इसको पिक करके जा सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जेसन जर्ज दोस्तों बैटिंग करता है, उसके साथ साथ दोस्तों बॉलिंग भी करता है, इसका जो रिकॉर्ड है दोस्तों 16 मैच में 300-400 के आसपास रन है, 52 इसका हाईएस्ट स्कोर है, उतना ज़्यादा हाई हार्ड हिटर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, 35 की इसका एवरेज है दोस्तों, 9 मैच में 9 विकेट भी लिया है, लेकिन हाल फिल में ये बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो कभी भी ये बॉलिंग करने के लिए आ सकता है, तो इसलिए हम लोग इसका जरूर पिक करके जा सकते हैं, 6-7% के आसपास सिलेक्शन है दोस्तों। NCMI के साथ एक SPC का मैच था, देखिए NCMI बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग टीम था, तब भी देखिए SPC थोड़ा सा 157 रन भी बना चुका था, देखिए ऑल आउट भी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं SPC टीम भी खराब टीम नहीं है यही बाद में बोलने के लिए बोला था। देखिए इधर से SPC पहले बॉलिंग किया था, देख लीजिए बॉलिंग परफॉर्मेंस, अंसल नजर 2 विकेट, राजेश मुरली देखिए फिर से 3 विकेट दोस्तों, राजेश मुरली जो बॉलिंग करेगा वो है दोस्तों डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले बॉलिंग में, आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन सोच सकते हो। उसके साथ निखिल प्रकाश 4 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं मिला, वेंकट बाबू देखिए 50 के आसपास रन दिया, विकेट नहीं मिला, प्रभास लाल देखिए सिर्फ 1 ओवर 18 रन देकर, पहले सेकंड मैच में देखिए 4 विकेट लेके गया था, पहले मैच में देखिए सिर्फ 1 ओवर ही मिला था, 18 रन दिया था, तो इसलिए देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पहले बॉलिंग में हम लोग ट्राई कर सकते, लेकिन सेकंड इनिंग्स में हम लोग ट्राई नहीं करने वाले हैं। प्रमोद भार्गव को हम लोग ट्राई कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले, सेकंड डाउन थर्ड डाउन फोर्थ डाउन पर बैटिंग करने के लिए आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर पहले बैटिंग करेगा तो, ठीक है। जब चेस करने के लिए आता, देखिए दोस्तों श्रीकर यादला विकेट कीपिंग सेक्शन से ओपन किया था, कुछ खास नहीं कर पाया था, सद्दाम मुल्ला देखिए इसका रिकॉर्ड एवरेज है, आप लोग पिक कर सकते हो अगर ओपनिंग में आएगा और टीम में अगर शामिल होगा तो, अनसल नजर का आप लोग जरूर पिक कर सकते हो, उतना ज़्यादा बॉलिंग तो नहीं पहले करता था लेकिन अभी बॉलिंग कर रहा है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग डाल रहा है, और उसके साथ साथ दोस्तों फास्ट डाउन सेकंड ओवर बैटिंग करने के लिए आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले बॉलिंग में पहले बैटिंग में, कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों निखिल प्रकाश के ऊपर आप लोग खासा ध्यान दीजिएगा दोस्तों आज के मैच के लिए, ये भी ट्रम्प का पिक हो सकता है, ट्रम्प पिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रमोद भार्गव कैप्टन था, 0 रन, और राहुल मुरली देखिए 5 रन बनाया था, इधर से 2 आर मुरली आप लोग देखोगे, एक राहुल मुरली है और एक जो है राजेश मुरली है, तो दोनों सेम मतलब सेम के तरीके से मतलब सेम है, तो इसलिए आप लोग देखिए सेम मतलब 2 भाई हो सकता है, तो वो बात छोड़ दीजिए, तो इधर से देख लीजिए, तो हम लोग स्कोर कार्ड देख चुके हैं, तो अभी हम लोग ड्रीम 11 पे जाके अभी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं। चलिए तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन बनने से पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर जो अभी नए आए हैं अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा जीएल मास्टर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं, तो सोच लीजिए अगर STA का टीम पहले बॉलिंग कर रहा है तो देखिए पहले डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कर रहा है, नवाब अहमद को हम लोग जरूर पिक करने वाले, सिराज खान नहीं खेलने वाला है, और उसके साथ साथ दोस्तों सिराज खान भी डेथ ओवर के आसपास बॉलिंग कर रहा था लेकिन तो आज के मैच के लिए तो नहीं खेलेगा, तो देखना पड़ेगा इसके जगह कौन खेलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग और एक जो प्लेयर हम लोग पिक कर सकते हैं वो है के अंसारी, ये दोनों को प्लेयर को हम लोग जरूर पिक करना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोग और जो पिक कर सकते हैं दोस्तों और एक जो प्लेयर है किधर गया, जो जेंसी जेकॉब तो सिर्फ 2 ओवर ही डाल रहा है, तो इधर से दोस्तों इन फकर तो हम लोग को पिक करना चाहिए क्योंकि ये पूरा ओवर डाल रहा है, तो किधर गया,
तो दोस्तों इधर से देख लीजिए, नवद फकर को हम लोग पिक करेंगे दोस्तों। 4 ओवर कन्फर्म बॉलिंग डाल रहा है, तो डेथ ओवर के आसपास बॉलिंग डाल सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लेयर को हम लोग जरूर पिक करने वाले अगर स्टीगरी पहले बॉलिंग करेगा तो। उसके साथ दोस्तों हम लोग और एक प्लेयर को लेके जा सकते हैं, वो है एस चेरियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चारों प्लेयर इधर से हो गया है और ओपनिंग में एस चेरियन, क्योंकि ओपनिंग कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बॉलिंग भी कर सकता है आज के मैच के लिए, क्योंकि देखिए इधर से एस खान नहीं खेलने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको एक दो ओवर शायद डालने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों भी गुप्ता को हम लोग पिक करेंगे, फास्ट डाउन पर बैटिंग करने के लिए आएगा, और उसके साथ साथ दोस्तों एम फारूक को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये 6 प्लेयर को हम लोग जरूर पिक करना चाहिए। तो दोस्तों ये 6 प्लेयर हम लोग अगर पिक करेंगे, हम लोगों का क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एन फकर बॉलिंग करेगा, एन आहमेद बॉलिंग करेगा कि अंसारी बॉलिंग करेगा, एस चेरियन बॉलिंग करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों टॉप ऑर्डर में 3 बैट्समैन भी हम लोगों को मिल जा रहा है, कौन है, एस चेरियन है, भी गुप्ता है और एम फारूक है। ठीक है, और उसके साथ दोस्तों ये तीनों चारों बॉलिंग ऑप्शन हम लोगों को मिल जा रहा है, तो ये हो गया है। और दोस्तों इधर से हम लोग तो एसपीसी पहले बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे सोचकर टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एस भरा पत्तन को, ए बी नजर को तो हम लोग जरूर पिक करेंगे। एस भरा पत्तन को किधर गए उसको हम लोग जरूर पिक करके जा सकते, इंटरनेशनल प्लेयर है दोस्तों, अच्छा कर सकता है। और उसके साथ दोस्तों हम लोग और एक प्लेयर को हम लोग लेके जा सकते हैं, वो है ए नजर, तो हो गया है एन प्रकाश, नितिन प्रकाश, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और अभी भी देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, अभी भी 2 ऑप्शन हम लोगों को बच रहा है, तो एन फिर देखिए पहले बैटिंग कर रहा है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, तो एक स्पिनर है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को मदद मिल सकता है, तो इसलिए एन फिर को ले लूँगा हम लोग। और एक काम कर सकते दोस्तों, इसके जगह आप लोग आर मुरली को भी ट्राई कर सकते हो, तो चलिए अभी आर मुरली को ही ट्राई कर लेते हैं। और विकेट कीपिंग सेक्शन से आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इधर से भी मथिया लगन भी इंपॉर्टेंट है, अगर एस यल्दा अगर ओपनिंग करेगा तो हम लोग जरूर पिक करेंगे, नहीं तो इसका रिकॉर्ड उतना ज़्यादा खास नहीं है, मथिया लगन को हम लोग पिक कर लेंगे। तो ये टीम कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये टीम कॉम्बिनेशन में दोस्तों देखिए, जो एसटीए पहले बैटिंग करेगा, तो इसका ऐसे टीम कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं। तब हम लोग देखिए के अंसारी और नवाब अहमद दोनों जो बॉलर है, बहुत शानदार बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, दोनों को कॉम्बो में कैप्टन वाइस कैप्टन हम लोग बना सकते हैं। अगर सोच लीजिए 110-120 रन में अगर ये टीम सिमर जाए लकीली, तो ये दोनों प्लेयर ज़्यादा विकेट लेके जाएगा, तो तब कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग आपस में रोटेट करते हुए जरूर 2 कम्बो बना दीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग ओपनर फिनिश भी मैच कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो उसके साथ आप और एक काम कर सकते हो, नवाब अहमद को और अच्छा काम कर सकते हैं, आज के मैच के ट्रम्प कार्ड इन प्रोकास को हम लोग मान रहे हैं, तो उसके साथ आप लोग इसको भी से एक ट्राई कीजिएगा, के आंसर के साथ आप लोग इसको भी से एक बार ट्राई जरूर कर दीजिएगा। तो दोनों 2-2-4 टीम इधर से हो गया है। उसके साथ दोस्तों और एक जो प्लेयर है ए बी नज्जर भी शानदार ऑप्शन हो जाएगा, अगर पहले बॉलिंग करेगा तो ए बी नज्जर कुछ अच्छा और भी अच्छा कर सकता है, लेकिन फर्स्ट मतलब सेकंड राउंड पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों इधर से जो है एस भरापत्तन को भी आप लोग 1-2 टीम में जरूर वी सी ट्राई कर सकते हो। और एक दोस्तों हम लोगों का ट्रम्प कार्ड कौन था, एस चेरियन, तो इसको भी आप लोग वी सी जरूर ट्राई करके चलिएगा। तो 10 टीम ऐसे आप लोगों को जरूर बन जाएगा। अगर एस टी का टीम पहले बैटिंग करेगा तो आप लोग ए टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। तब क्या होगा देखिए, इन प्रकाश बॉलिंग कर रहा है, इधर से बॉलिंग मिल रहा है, आर मुरली बॉलिंग कर रहा है, ए बी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी नज्जर बॉलिंग कर रहा है, तब आप लोग एक काम कर सकते हो, एक ओपनर को ड्रॉप करके एम फारूक को, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, तो आप लोग एक काम छोड़िए, एक बार हम लोग रिस्क ले लेते हैं, उसके जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर इधर से एस पी सी का बॉलिंग आप लोग पिक कर सकते हो बॉलर, तो कैसे किसको लेगा, हाँ जी जॉर्ज को आप लोग पिक कर सकते हो दोस्तों। जी जॉर्ज को हम लोग पहले टीम में नहीं पिक किया था, 1-2 टीम में जरूर उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जी जॉर्ज को हम लोग पिक कर सकते हैं, ये भी हम लोग का एक ट्रम्प कार्ड पिक आज के लिए हो सकता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन 1-2 टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप लोग इसके जगह एक बार आप लोग पी भार्गोसा को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी बॉलिंग डाल रहा है, लेकिन पूरा ओवर नहीं डाल रहा है, लेकिन 2 ओवर डाल रहा है, जे जॉर्ज तो ज़्यादा मतलब बॉलिंग ही नहीं डाल रहा है, तो इसलिए इसके जगह आप लोग इसको पिक कर सकते हो। लेकिन आज के मैच के लिए मेरे को लग रहा है अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो जे जॉर्ज बॉलिंग शायद कर सकता है। देखिए 8% के आसपास सिलेक्शन है, ओपनिंग कर रहा है और रिकॉर्ड जबरदस्त नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक रिकॉर्ड है, तो आप लोगों का आज के मैच के लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर अच्छा कर जाएगा तो हम लोगों का टीम बहुत शानदार ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी जेजर्स को ही लेके जाते हैं। तो इधर से देखिए, तब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए, वही चीज़ है दोस्तों, भी गुप्ता को आप लोग एक बार जरूर कैप्टन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला टीम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। इसके साथ भी सी आप लोग एन अहमद
करके एक बार ट्राई कीजिए कि आंसर एक तो जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि स्पिनर है दोस्तों सेकंड इनिंग्स में, अगर ये एस टी अगर बहुत ज़्यादा रन स्कोर कर देगा तो के आंसर ही स्पिनर को ज़्यादा अटैक करने के लिए जाएगा, तब इसको ज़्यादा विकेट मिल सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों आर मुरली को आप लोग फीसी नहीं तो कैप्टन देके जा सकते हो, क्योंकि ये भी डेथ ओवर में आसपास बॉलिंग करेगा और ए बी नज्जर भी डेथ ओवर के आसपास बॉलिंग करेगा, तो ये दोनों को भी आप लोग कॉम्बो एक टीम में जरूर बनाइएगा, जैसे एस टी ए को हम लोग बनाए थे इधर से एस पी सी के टीम की तरफ से भी आप लोग बना सकते हो, इसको कैप्टन इसको भी सी नहीं तो इसको कैप्टन इसको भी सी, दो टीम जरूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो बॉलर है ना, बॉलर को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा के आंसरी के साथ, जैसे आप लोग आर मुरली को एक बार कैप्टन कर दीजिए, आंसरी को भी सी, ए बी नज्जर को कैप्टन करते हुए इसको भी सी, एक बार आप लोग क्या करोगे एक आंसरी को भी कैप्टन करते हुए आर मुरली को भी सी और एक बार ए बी नज्जर को भी सी। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग क्या करोगे ए बी नज्जर को कैप्टन करते हुए, देखिए ए बी कैप्टन को कैप्टन करते हुए इस बार ए नावेद को भी सी बना दीजिए, आर मुरली को कैप्टन करते हुए ए नावेद को भी सी बना दीजिए और ए नावेद और के आंसरी को भी एक बार कॉम्बो बना दीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों ट्रम्प कार्ड जो पिक हम लोगों को तीन है ना, ये तीनों प्लेयर के ऊपर भी आप लोग एक दो टीम की बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, अगर चल जाएगा तो देखिए सिलेक्शन बहुत ही कम है, तो अगर चल जाएगा तो हम लोगों का टीम बहुत शानदार ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन एक दो टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। और भी एक दो प्लेयर है आप लोग खुद से भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, एक दो चेंजेस करते हुए हुए आप लोग और भी ज़्यादा टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो अभी के लिए इस टीम कॉम्बिनेशन में कैप्टन देने वाला हूँ दोस्तों, इधर से देंगे हम लोग आर मुरली को, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन कम है, और इसके साथ साथ दोस्तों बी सी हम लोग देके जाएंगे अंसारी को, ठीक है। ये टीम कॉम्बिनेशन अभी के लिए सेव करके रख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया हूँ कैप्टन में, तो देखना पड़ेगा क्या होगा, अगर अच्छा दिन रहेगा तो हम लोग जरूर जी एल के करीब जाएंगे और भी ज़्यादा अच्छा लाग रहेगा तो हम लोग जी एल भी जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ इस मैच के अपडेट के साथ, आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मिलता हूँ इस मैच के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।